200 की साड़ी 50 में मिल सकती है? संभव नहीं है। 200 की साड़ी 150 में मिल सकती है? यह संभव है। लेकिन यह संभव कैसे है, उसके बारे में आपने कभी सोचा है कि क्यों यह संभव है? वो संभव तब है जब वो माल लॉट में बेचना पड़ता है। लॉट की परिभाषा आज हम आपको बताएंगे, लॉट होता क्या है, लॉट किसे लेना चाहिए, लॉट कब मिलता है। दो सौ की साड़ी 50 में मिलती है, ऐसा आपने सुना होगा, लेकिन ये सही नहीं है। 200 की साड़ी 150 में मिलती है, ये पॉसिबल है, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब वो माल को लॉट में बेचना पड़ता है। उस माल में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है जो वो रेगुलर रेट से ना बिक करके उसे कम में बेचना पड़ता है। तो कोई भी माल कीमत से कम में तभी मिलता है जब उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर चीज की एक कीमत होती है और कीमत से सस्ता कुछ भी नहीं मिलता है। तो बात करेंगे हम आज लॉट के माल की। लॉट का माल क्या होता है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, लॉट का माल बनाने की वो कौन सी मशीन है जो आज तक आपने नहीं देखी है, लॉट के माल बनाने की वो क्या टेक्निक है जो आपने आज तक नहीं सुनी, वो आज आप मेरे वीडियो में देखेंगे, समझेंगे और आपको यकीन होगा कि लॉट का माल आखिर क्या होता है और लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल केशव माधव फैशन में। बिजनेस की बातों में मैंने आपको पिछले वीक बताया था लॉट के माल के बारे में कि मैं आपको अगले वीक आपको मैं लॉट के माल के बारे में बताऊंगा। लॉट का माल वीडियो तो आपने काफी देखे होंगे, लेकिन आपको आज तक किसी ने ये नहीं बताया होगा कि लॉट का माल कौन से मशीन से निकलता है, वो कहाँ छपता है, कहाँ प्रिंटिंग होती है, कहाँ बिकता है। तो आज का वीडियो मैं आपको पूरा इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लॉट का माल, माल की परिभाषा आप सभी जानते होंगे। अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई की हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो उसमें एक क्वेश्चन आते हैं, माल की परिभाषा क्या होती है। तो उसका एक काफी खूबसूरत आंसर है, जो व्यक्ति जिस वस्तु का व्यापार करता है वो वस्तु उस व्यक्ति के लिए माल है। हम साड़ी का व्यापार करते हैं तो साड़ी हमारे लिए माल है। अगर आप दाल चावल का व्यापार करते हैं तो दाल चावल आपके लिए व्यापार है। कोई सब्जी बेचता है तो वो सब्जी उसके लिए व्यापार है। तो हर व्यापार में कुछ ना कुछ माल कीमत से कम में बेचना पड़ता है। वो कीमत से कम में जो माल बिकता है वह माल लॉट का माल कहलाता है, उसे लॉट में बेचना पड़ता है। तो साड़ियों में भी ऐसे लॉट होते हैं जिसे कम कीमत में बेचना पड़ता है। आप कोई भी माल को आप कैसे समझेंगे वो लॉट का माल है? तो जैसे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक ये साड़ी है, ये प्रिंटिंग के दौरान ये साड़ी खराब हो गई। इसके अंदर आप देख रहे हैं मिसप्रिंट आ गई। ये माइनर मिसप्रिंट है, इस तरह की मेजर मिसप्रिंट भी होती है। तो इस टाइप के माल जो होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, वो रेगुलर रेट में नहीं बिक पाते। आप देख सकते हैं ये माल को मैंने फ्रेश में भी रख रखा है, ये सेम माल है। इसके अंदर में जो फ्रेश साड़ियाँ थी उसके अंदर में लेस वगैरह सब लगाई हुई है, कैटलॉग पूरी तरह से तैयार किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं वो सेम डिजाइन है, एक साड़ी खराब है तो दूसरी अच्छी भी है। तो सेम चीज आपको मिल रहा है कम कीमत पे, लेकिन उसके अंदर में वो प्रॉब्लम है, वो साड़ी में मिसप्रिंट है जिसके कारण वो कम कीमत पे बेचा जाएगा। तो ये जो रेट का डिफरेंस होता है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे कम करके लॉट में बेचा जाता है। और लॉट का माल भी दो तरह का होता है, एक वो माल जो प्रोसेस के दौरान खराब हो गया, जैसे आपने ये देखा प्रिंटिंग खराब हो गई, एम्ब्रॉयडरी वर्क, अगर हम कोई भी साड़ी में एम्ब्रॉयडरी कराते हैं और एम्ब्रॉयडरी के अंदर में कोई भी स्टिच धागा निकल रहा होता है तो वो साड़ियाँ कीमत से कम में फिर बेचनी पड़ती है लॉट में। तो इस तरह का माल एक हो गया, और एक वो माल जो काफी टाइम तक बिकता नहीं है, जो 2 साल 3 साल 4 साल से दुकान पे पड़ा है फिर वो ट्रेंड से बाहर हो जाता है, वो चलन में नहीं रहता वो माल। तो ऐसे माल को भी कम कीमत पे बेचना पड़ता है। जैसे मैंने अभी देखिए कुछ अपनी पुरानी साड़ियाँ निकाली है, ये आप देख सकते हैं। अभी ये माल एक टाइम में जहाँ 400, 500, 600 रुपए में बिकते थे, आज ट्रेंड में नहीं है, कोई 150, 200 रुपए में भी इसे खरीदना नहीं चाहता। तो इस तरह का माल लॉट में बेचना होता है। तो लॉट का माल बेसिकली मेन दो टाइप का ही होता है,
एक जो प्रोसेस में खराब हो गया जिसे कम कीमत पे बेचना पड़ता है, और एक वो माल जो बिकता नहीं है काफी टाइम तक, वो लॉट का माल हो गया। दुनिया में आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो लॉट का माल बनाती हो, क्योंकि लॉट का जो माल है वो कीमत से कम में बेचना पड़ता है। कुल मिला के अगर ये कहें आपको, मजबूरी में नुकसान खा के बेचा गया माल लॉट का माल है, मजबूरी का नाम लॉट का माल है। शौक से कोई भी किसी माल को कम कीमत पे नहीं बेचता, क्योंकि किसी माल को बनाने में अगर 200 रुपए की लागत आई है तो कोई भी शौक से उसे 150 में नहीं बेचता। वो 200 का माल 210 में ही बेचना चाहता है, लेकिन मजबूरी है, माल प्रोसेस में खराब हो गया, काफी टाइम से नहीं बिक रहा, तो लॉट में बेचना पड़ता है। सवाल अब यह रहा कि लॉट का माल लेना किसे चाहिए, लॉट का माल मिलता कहाँ है, नए व्यापारियों को लॉट का माल लेना चाहिए? अगर आप नए व्यापारी के रूप में अपना व्यापार चालू कर रहे हैं तो आपको लॉट का माल कभी भी नहीं लेना चाहिए। लॉट के माल के अंदर में क्या नुकसान है वो आपको बता दूं। कोई भी माल जो खराब हो चुका है अगर आपको कम कीमत पे मिलता भी है तो आप अपने नए व्यापारी में उसे सेट नहीं कर सकते। अगर आप किसी कस्टमर को कोई भी साड़ी देते हैं, उस साड़ी में डिफेक्ट है, वो कस्टमर आपके पास दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि आप तो जिस कीमत पे जो माल लेंगे उसी कीमत के हिसाब से बेचेंगे। 200 की साड़ी अगर 150 में लिए तो 150 पे प्रॉफिट जोड़ के बेचेंगे, लेकिन अगर वो माल खराब है तो ग्राहक कंप्लेन भी करेगा, दोबारा भी नहीं आएगा। और 200 में अगर वही माल आप अच्छा माल लेते हैं तो ग्राहक दोबारा भी आपके पास आता है, दो चार और ग्राहक को भी जोड़ता है। तो नए व्यापारी के रूप में आपको कभी भी लॉट का माल नहीं लेना चाहिए। रही बात जो माल ट्रेंड में नहीं है, अगर ऐसे माल आप ले जाए जो अब बिकते नहीं है, माल तो सस्ता आपको मिलता है, 400-500 की साड़ी आज आपको 150 में मैं भी दे दूंगा, लेकिन अगर ऐसा माल आप लेके जाएंगे तो आपके पास ग्राहक आएंगे नहीं। वो पहले ही बोलेंगे ये सब साड़ियाँ तो अब चलती नहीं है, काफी पुरानी साड़ियाँ हैं। तो सस्ते माल के चक्कर में आप कभी भी नहीं आए। आप नया व्यापार शुरू कर रहे हैं तो जो ट्रेंड में चलता हो वही माल लें, ट्रेंड वाला माल ही आपके लिए फायदेमंद है, उसी से आपका व्यापार चलेगा। आप लॉट के चक्कर में कहीं भी गलत जगह फंस जाते हैं। और लॉट के अंदर एक सबसे बड़ी डिमेरिट जो होती है वो आपको बता दूं, वो शायद आपको सुनने में कभी भी नहीं आएगी। लॉट का जो माल होता है इसमें कई तरह के माल होते हैं, 200, 300, 400, 500 की अलग अलग साड़ियाँ होती है। जब आपको सस्ते में कोई भी माल बताया जाता है तो सैंपल में तो आपको अच्छी साड़ियाँ दिखाई जाती हैं, लेकिन जब आपके पास माल जाता है तो उसमें कई तरह की हल्की घटिया क्वालिटी की साड़ियाँ होती है, और लॉट के माल में ये 100% संभव है। तो लॉट का माल जितनी दूरी आप बना के रखें उतना अच्छा है, बाकी व्यापार आपका है, मर्जी आपकी है। अगर आप लॉट के माल में इंटरेस्टेड हो तो आप लॉट का माल देखें। तो लॉट का माल हमारे जैसे व्यापारियों के पास मिलता नहीं है। हाँ, आपको ऐसी जगहों पे मिलता है जो सिर्फ लॉट का काम करते हैं, वो अपना प्रोसेस कुछ भी नहीं करते हैं, वो मार्केट में घूमते हैं, जिनका भी जो माल बिगड़ता है वो वहां से कलेक्ट करते हैं, उनसे खरीद करके जब सभी जगहों से वो इकट्ठा कर लेते हैं माल, तो सबको मिक्स करके वो उनके रेट निकालते हैं एवरेज प्राइस करके, फिर वो सेल करते हैं। उसके अंदर में क्या है, सैंपल में तो आपको अच्छी चीजें दिखाई जाती है लेकिन माल में वैसी चीजें नहीं निकलती। जो नए व्यापारी होते हैं वो सैंपल देख के वहाँ पेमेंट तो कर देते हैं लेकिन बाद में माल उनके पास कुछ और पहुंचता है। तो लॉट के माल से जितना हो सके आप दूरी बना करके रखिए, वो आपका नया व्यापार सेट करने के लिए अच्छा है। अगर आप पुराने व्यापारी हैं, व्यापार में पूरी तरह से मंझ गए हैं, हर एक बारीकी की आपको पकड़ है, तो लॉट का माल में आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। लॉट का माल आप समझ सकते हैं कि भाई वो किस कैटेगरी का है, लेकिन मैं फिर भी उनको भी सलाह नहीं देता, क्योंकि लॉट के माल में आज प्रॉफिट का मार्जिन हर आइटम में उतना ही होता है, तो लॉट के माल में हम क्यों जाएं, फ्रेश माल क्यों नहीं बेचें? आज कोई भी चीज 200 के लेते हैं 200 के हिसाब से बेचते हैं, अगर लॉट में 100 में लेते हैं तो 100 के हिसाब से बेचते हैं। जब प्रॉफिट का रेशियो वही है तो लॉट का माल में क्यों जाना, आप फ्रेश माल में आए, ट्रेंड में जो है माल वो लें, रोटेशन ज्यादा से ज्यादा करें, व्यापार उसी से ग्रोथ होगी, व्यापार की रोटेशन जितनी ज्यादा होगी, ग्राहक आएंगे माल लेके जाएंगे अच्छा लगेगा, फिर आएंगे दो चार को और भेजेंगे। लॉट के माल में ग्राहक जो एक बार आएगा लेके जाएगा वो रोएगा ना, तो वापस खुद आएगा ना किसी और को भेजेगा। तो मेरी सलाह माने तो आप लॉट के माल से जितना हो सके दूर रहे। तो कैसा लगा आज का ये मुद्दा आपको, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही मजेदार मुद्दे लेके आपसे हमेशा मिलते रहेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।